गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज आयोजित की जा रही है, उसमें कक्षा 6 में आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, आपको इतने दिन नोट से पढ़ाया था, अब थोड़े नोट्स है वो आपको बुक से पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में विष या जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद से हमें कई विषों और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पूर्वजन या विष, इनमें से जो हमें प्रमुख जो जन थे वो कौन कौन से थे, पूर्वजन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में विष या जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पूर्वजन या विष, भरत जन या विष, इसके अतिरिक्त यदुजन या विष, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो तुम्हें इनमें से कौन से नाम जाने पहचाने लगते हैं, ध्यान से। आज से हमारा जो बिंदु है यहीं से शुरू हो रहा है बच्चों। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो आर्य थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, वैदिक संहिताओं की रचना की, आरण्यकों की और उपनिषदों की रचना की, वो हमारे पूर्वज, वो हमारे एनसीएटर आर्य कहलाए। आर्य का अर्थ बच्चों अलग अलग मिलता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, गुणवान, योग्य, सुंदर। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। वो क्या कहते थे, जैसे आपने रामायण देखी है ना, उसमें दिखा जा राम या लक्ष्मण एक दूसरे को संबोधित करते हैं, या दशरथ है वो उनको संबोधित करते हैं, तो वो आर्य श्रेष्ठ का नाम उल्लेख करते हैं। तो आर्य श्रेष्ठ का मतलब होता है जो अपने आप में श्रेष्ठ हो, जो अपने आप में श्रेष्ठ हो। तो अंडरलाइन कर लेना इसको यहाँ से। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, जिन लोगों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वैदिक मंत्रों, ऋचाओं, संहिताओं, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना की थी, वे जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास अथवा दस्यु कहते थे। जो उनके विरोधी थे उनको वो दास अथवा दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो दस्यु वे कौन लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो जो यज्ञ या कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, जो संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे, वो दस्यु या दास कहलाए थे। वे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय के साथ दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास शब्द का मतलब क्या हो गया बच्चों, गुलाम। बाद में समय के साथ क्या हो गया, दास शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम। जिसे गुलाम बनाया गया हो, जिसे गुलाम रखा गया हो, जिसका शब्द का अर्थ है गुलाम। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास वो स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया था। उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था। जो कभी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखते हैं हम वहां पर ऐसा क्या हो रहा था। जैसा कि आपने बताया है, हमारा जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 39 पर, देख रहे हो ना, पेज नंबर 39 पर, खामोश पहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड, महापाषाण का अर्थ होता है विशाल शिलाखंड, विशाल पत्थर। महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। महापाषाण का अर्थ क्या हो गया, जो बड़े बड़े पत्थर। इससे पहले हमने ये तुम्हें नाम जाने पहचाने लगते हैं, इसके मैंने आपको अंडरलाइन करा दी है, जिन लोगों से लेकर जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, जिन्हें दास या दस्यु कहा जाता था, जिन्हें गुलाम कहा जाता था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा विशाल और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता था उन पत्थरों को यहाँ पर लगाया जाता था।
महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। महापाषाण कब्रें जिनमें किसी व्यक्ति के दफन के होने के जहाँ पर उसका सिर होता था उस साइड में एक विशाल पत्थर को गाड़ दिया जाता था, तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, दक्कन यानी जो पश्चिमोत्तर का भाग है या दक्कन जहाँ से शुरू होता है, दक्षिण भारत जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु होते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पुरापाषाण, महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखे हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी थे, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर थे, कुछ महापाषाण जमीन के नीचे होते थे। अगला पेज नंबर 40 देख लो। कई बार पुरातत्ववेदा या जो पुरातत्ववादी थे, कई बार पुरातत्ववादी को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले। देख लो इसके अंदर गोलाकार सजाए हुए पत्थर है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर देख लेना चित्र में, ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर थे। तो कई बार पुरातत्ववादियों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। अकेला खड़ा हुआ पत्थर जिनको कब्र के अंदर गाड़ा जाता था, ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लोगों के कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तलाश करना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ समानता दिखाई देती है। बच्चों देखो, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। सामान्यतः मृतकों को, जो मरे हुए व्यक्ति थे, उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो मृतक होते थे उन्हें खास तरह के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ हमें मवेशी है वो दफनाए हुए मिलते हैं, वहीं इसके बाद के काल में मृतकों के साथ कुछ खास किस्म के जो बर्तन या भांडे होते थे उनको दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ड्राइंग करो बच्चों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने की गहने हैं वो हमें मिले हैं। जैसा कि हमने बताया बच्चों, हड़प्पा काल के दौरान कब्रों के साथ हमें मवेशी, मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा आभूषण, अनाज, ये सब है वो उनकी कब्रों के साथ गाड़े जाते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं, क्या मिले हमें, लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इनके साथ हमें क्या मिले हैं, लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, महापाषाण कब्रों में कौन कौन से लोहे के निशान मिले हैं? देखो, बाईं ओर से घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और एक नीचे कटार। ये कटार है बेटा, ये देख लेना, कटार देख रहे हो ना, इसके अलावा कुछ कुल्हाड़ियाँ भी मिली है। तो महापाषाण जो कब्रें होती थी, जिनके महामाने विशाल, पाषाण माने पत्थर, जो विशाल पत्थर से बनी जो कब्रें होती थी, जिनको कब्रों के ऊपर पत्थरों को गाड़ा जाता था, उनके लोहे के सामान थे। बाएं और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार मिली है। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता लगाना। पुरातत्ववादी ये मानते हैं कि कंकाल के साथ कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। ऐसा माना जाता था कि पुरातत्ववादी भी मानते हैं, इतिहासकार भी मानते हैं कि जो मरे हुए व्यक्ति होते थे उसके साथ जो कब्र में जो चीज़ें मिली है वो शायद उस व्यक्ति से संबंधित थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली है। मानचित्र 2 में हम ब्रह्मगिरी की खोज सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में
ब्रह्मगिरी को खोजे, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जहाँ ब्रह्मगिरी क्षेत्र मिला है वहाँ पर एक व्यक्ति की मृतक व्यक्ति की कब्र से हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए। इससे पता चलता है कि जहाँ जिस व्यक्ति के साथ सोने को मनके को गाड़ा गया था वह व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान था, धनाढ्य था, जबकि दूसरे व्यक्तियों के साथ जो मिट्टी के बर्तन थे वो सामान्य व्यक्ति थे। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जिनके साथ मिट्टी के बर्तन बच्चों गड़े हुए मिले हैं वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य जन थे, सामान्य लोग थे, जबकि जिसके साथ सोने के आभूषण मिले हैं वह व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान था, धनवान रहा होगा। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें दूसरे कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिले, एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल मिले। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को, इससे पता चलता है कि शायद संभवतः एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल बने हुए होते थे जिनमें जिनके रास्ते इनको कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे। यहाँ जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबको दोबारा दफनाने का काम भी करते थे। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र इनाम गांव को खोजे। यहाँ भीमा की सहायक नदियों की घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों के उपराय गड्ढे में सीधा लेटाकर बच्चों दफनाया जाता था। कब्र के साथ पशुओं के अवशेष, उनकी जो कब्र में आभूषण, मिट्टी के बर्तन आदि भी मिले हैं। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लेटा दिया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। जिनका सिर हमेशा क्या होता था? उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और उनके साथ बर्तन, आभूषण, मवेशियों को भी गाड़ दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनका प्रयोग खाने और पानी के लिए किया जाता था दफनाए रहे होंगे और सबके साथ रख दिए होंगे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा होने के कारण इन लोगों को गाड़ा जाता था। पेज नंबर बच्चों 42 पर देख लिया ना, पेज नंबर 42। तो यहाँ जो घर थे बच्चों, यहाँ के जो घर थे वो गांव में सबसे बड़े घरों में से एक था। यहाँ का जो घर था वो गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सब के पैर है वो मुड़े हुए। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब है वो किसी सरदार का था, किसी सामंत का था, किसी पुरोहित का था? अपने जवाब का कारण बताओ। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, ये बच्चों बना हमारा जो अंतिम टॉपिक है। इनाम गांव में पुरातत्ववेदियों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, ये अंडरलाइन करने बच्चों आपको। इनाम गांव में पुरातत्ववादियों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये पता चलता है कि लोग इन्हें खाते रहे होंगे, कई जानवरों को खाते रहे होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकपरा, हिरण, कृष्णमर्ग, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई प्रकार की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। कई रसभरियों को एकत्रित किया जाता था जिनमें रस होता था, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन और खजूर।
इस प्रकार की रस भरियों को एकत्रित किया जाता था। हमने देखा है कि हमें कंकालों का अध्ययन क्यों करना पड़ रहा है, तो अंडरलाइन करो इसको। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई फर्क नहीं दिखता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का? अभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो निश्चित रूप से महिला का होगा, लेकिन ऐसे समझ में के साथ कई समस्याएं। अक्सर पुरुष भी जो राज परिवार से संबंधित होते थे, जो सामंत होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनके साथ भी आभूषण है वो मिले हैं। कंकाल का लिंग पहचानने के लिए बेहतरीन तरीका उनकी हड्डियों की जीव है। चूंकि महिलाओं बच्चों का जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुला प्रदेश से ज़्यादा बड़ा था। ये समझ कंकालों की आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का एक प्रसिद्ध वेद हुआ था, चरक संहिता, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, प्रसिद्ध वेद हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता, अंडरलाइन करो बेटो, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में एक चरक संहिता नामक एक किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 206 नहीं बल्कि 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों को, हड्डियों के जोड़ को और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो उन्होंने टोटल है वो 360 हड्डियाँ बताई थी, जिनमें अपनी गिनती में दांत, हड्डियाँ के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार सिंधु घाटी के समय वो हमें या उसके बाद के काल में किस प्रकार लोगों के जो महापाषाण थे उनके साथ लोगों को दफनाया गया था। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले, मैंने आपको अंडरलाइन कराया, यहाँ पर अंडरलाइन कराया आपको। इसके साथ पेज नंबर 40, पेज नंबर 39 पर आपको अंडरलाइन कराया है। दास और दस्यु वाला, जिनमें जिन्हें आर्य कहते थे और जो विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मैंने चरक के बारे में आपको अंडरलाइन कराया। जो अंडरलाइन कराया उसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।